जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। हालांकि आप सभी लोग को पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है जो करीबन 25,000 के आसपास है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि सभी लोग इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लग गए होंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस पैटर्न बदल गया है। कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी बदल चुके हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो पैटर्न बदल चुका है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ssc.nic.in पे इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। साथ में इस समय किस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो एसएससी के एग्ज़ाम निकालने में आपकी हेल्प होगी, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए उसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि जो ये एसएससी की वैकेंसी आई है, आई होप इसकी जानकारी आपको लग गई होगी। 27 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। 24,359 के आसपास पोस्ट है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। अब इसका सिलेबस क्या है वो मैं बता दूं, पहले रहता था कि 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 100 क्वेश्चन रहता था एक एक नंबर का, लेकिन माइनस मार्किंग कितनी है, कट ऑफ क्या है, उस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो फटाक से नीचे आ जाते हैं, माइनस मार्किंग कट ऑफ पे बात करेंगे और किस टॉपिक पे आपको ज्यादा बल देना है वो भी बात करेंगे। आई होप कि आपको पता होगा कि ये ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर वाइज। और इसमें इस समय जो पहले वाला था, जो 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 4 भागों में डिवाइड था, 100 नंबर क्वेश्चन रहते थे, ठीक है, आपको 1.5 घंटे का समय मिलता था, लेकिन इस समय आपके सिर्फ 40 क्वेश्चन है, ठीक है। और किस क्वेश्चन पे कौन कौन से टॉपिक से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि पार्ट 1 में आपको रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को शामिल किया गया है, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके टोटल नंबर हो गए 40, ठीक है। और आपका पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें जनरल करेंट अफेयर आ जाते हैं, ठीक है, और जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये टोटल 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे, टोटल ये भी 40 नंबर के हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो भी 20 रहेंगे क्वेश्चन टोटल, वो भी 40 नंबर के रहेंगे। और आपका हिंदी वर्सेस इंग्लिश, ठीक है, दोनों रहेगा, उसमें से आप जो सेलेक्ट करेंगे उस मोड में आएगा पेपर, वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 40 नंबर का। टोटल आपको सिर्फ 1 घंटे का ही समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपको याद रहे कि टोटल क्वेश्चन 80 नंबर हो गए, तो ये टोटल जितने भी मार्क हो गए, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 6 4 16, 160 नंबर का आपका हो जाता है पेपर। तो आपको इतना तो पता होगा कि आप 100 से अधिक नंबर लाएंगे तो ही तो मेरिट में आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, अभी क्वेश्चन गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है वो 0.5 है, मतलब 0.50। अब आपके दिमाग में आएगा ये 1/4 है या 1/2 है या 1/3 है, तो 0.50 है, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए बटा में 100 कर दो, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 माइनस मार्किंग है भाई साहब, आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर आधा नंबर आपका कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप किस सही नंबर में से अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया, हाँ, जो प्रोसेस है सेम पैटर्न है, ठीक है। और रीजनिंग का भी टॉपिक और जनरल नॉलेज का टॉपिक, मैथ का टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक, क्या क्या आएगा ये एक सवाल बना रहता है। तो देखिए, जनरल नॉलेज रीजनिंग में क्या क्या आएगा, यहाँ से आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टॉपिक है आपके जनरल नॉलेज के, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में सेव कर लो। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे जनरल नॉलेज का टॉपिक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में सब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैथ में आ जाओ, मैथ में, यहाँ पे मैथ का स्क्रीनशॉट ले लो और हिंदी इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो, दिस पेपर इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रेट, ठीक है, रेटिंग ऑफ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ठीक है, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का आप यहाँ से नीचे ले सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकल प्रोसेस है, तो जो ये सिलेबस बदल गया है ये आप लोग को जानना जरूरी था। आई होप ये जानकारी आप लोग को बढ़िया लगी होगी। तो इससे रिलेटेड अब एसएससी के लिए जब तक भर्ती हो नहीं जाती, इसका मॉक टेस्ट हो गया, फ्री क्वेश्चन पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, बेस्ट बुक हो गया, सब कुछ ही जानकारी आपको ए टू जेड
फ्री हमारे चैनल द्वारा दी जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है। साथ में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, चैनल सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ, अब इसका फॉर्म भर ही दिए होंगे तो आप लोग तैयारी में तो आई होप लग ही गए होंगे। उसके साथ में इस समय मार्केट में चुपसू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक भी चल रहा है, जो एग्जाम की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं या ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको नए नए पेपर भी देखने को मिल जाएगा, पुराने पेपर भी सॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा जो पिछली बार। देखो ये है पुराना सिलेबस, 90 मिनट का टाइम मिलता था, 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 100 टोटल हो जाते थे, ठीक है। आपका पेपर 100 नंबर का होता था, ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का। अब इसको पैटर्न को बदल दिया गया है, और हाँ, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसमें जो इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट में आपको पिछले 2021 के जो पेपर हुए हैं, 19 के पेपर हुए हैं, वो मिल जाएंगे। ये फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसका टेंशन ना लो, ये बिल्कुल फ्री है। ये परसेंटेज टॉपिक किस किस से ये क्वेश्चन वगैरह हो गया सॉल्यूशन के साथ है, ये मैंने ये लिंक मैंने डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में। इस पीडीएफ को जाके वहाँ से SSC GD का पेपर सर्च मारो, आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको लगा लो, पुराना पेपर देख लो पिछले साल का। साथ ही साथ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, प्रैक्टिस सेट के लिए नए नए अवेलेबल हैं लिंक, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आइए, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई डाउट रहेगा होगा, कोई सवाल दिमाग में रहेगा होगा तो कमेंट करना, उसको देने का हम प्रयास जरूर करेंगे। ओके, सारे टॉपिक का मैंने बता दिया आपको सिलेबस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।